अररिया में जदयू अपने कोष को मजबूत करने के लिए आरसीपी टैक्स वसूल रहा है। बिहार के सभी थाने शराब की दुकान बन चुकी है। थानों में खुलेआम देशी और विदेशी शराब की बिक्री होती है। ये बातें राजद युवा के प्रदेश अध्यक्ष करी सोएब ने अररिया के एक होटल सभागार में कही। उन्होंने कहा कि आज बिहार में शराब माफियों का राज चल रहा है, इसीलिए जहरीली शराब पीकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के नशे में चूर है, इसलिए नौकरी मांगने वालों पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपने किए वादे के अनुसार 19 लाख रोजगार नहीं देती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जदयू को अपना जो कोष है वो भरना था, इसलिए एक तरफ लगा करके दूसरी तरफ सारे पैसे को आरसीपी टैक्स के नाम से जा रहा है। तमाम थाने बिहार के उसके बोली लगते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, क्योंकि थाना शराब की दुकान बन चुकी है। पहले दुकान हुआ करता था सड़क के किनारे, अब शराब की दुकान है थाना। थाने में जब चाहिए 24 घंटा, जिस वक्त चाहिए, जिस तरह का शराब चाहिए, देसी हो, अंग्रेजी हो, फलाना हो, ढिकाना हो, जिस ब्रांड का चाहिए, आप थाने में जाइए, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए पूरे बिहार में शराब माफियाओं का राज चल रहा है, इसी का नरसंहार हो रहा है कि जो आदमी भी उसके खिलाफ बोलता है उसकी हत्या कर जाती है। पुलिस के पास कोई काम नहीं है, वो शराब के काम में इतना विलीन हो चुकी है। सत्ताधारी दल के नेता उसके ब्रोकर हैं और पुलिस उसको बेचती है अपने ब्रोकरों के द्वारा, कि उनको दुनिया का कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है। जो उन्होंने शपथ लिया उस वर्दी को पहनने वक्त, उस शपथ को भी भूल गए हैं, क्योंकि शराब और शराब के द्वारा पैसा उनको नजर आता है, क्योंकि उनको भी आरसीपी टैक्स देना पड़ता है। थाना को डीएसपी, डीएसपी को एसपी, आईजी, डीआईजी, इन द्वारा डीजीपी, तो सारे के सारे लोग शराब के कारोबार में मस्त हैं। बिहार की जनता की इनको, बिहार की जनता की इनको कोई चिंता नहीं। नीतीश कुमार जी के पास जनता का मैंडेट नहीं है, जनाधार खो दिया है, इसलिए नीतीश जी पुलिस के द्वारा, गुंडों के द्वारा शासन चलाना चाहते हैं। बिहार की जनता इसका भी जवाब देगी। ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार बहुत जल्द गिरी। इसके तहत गरीबों को शराब पिला के मारा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, कहीं गोलियों से मारा जा रहा है, कहीं शराब पिला के मारा जा रहा है। आपने सुना है कि कभी शराब पीने से किसी नेता का बेटा, किसी बड़े आदमी का बेटा मरा हो? नहीं। गरीब ये कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, ये गरीबी को नहीं, ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये इनको गरीबों से नफरत है, ये बलात्कारी लोग हैं। आज भाजपा के लोग क्या, देखिए कुलदीप सिंगर की पत्नी को पिटी कर दे दिया भाजपा ने। आखिर क्या कारण है कि जहां भी बलात्कार होता है बलात्कारी भाजपा ही निकलता है? आखिर क्या कारण है कि जहां हत्या होता है वहां हत्यारा भाजपा ही निकलता है? आखिर क्या कारण है कि जहां डकैती होती है वहां निकलता है भाजपा ही निकलता है? क्या कारण है कि विधानसभा में ब्लू फिल्म देखने के लिए पकड़ा जाता है तो भाजपा ही एमएलए होता है? क्या कारण है कि जहां एक महिला के साथ बलात्कार करते हुए, रेप करते हुए, उसका वीडियो सेक्स करते हुए उसका वीडियो वायरल होता है, वो भाजपा मंत्री निकलता है? आखिर क्या कारण है कि तमाम गलत कामों का जब नाम निकलता है कि कौन कर रहा है, वो भाजपा ही होता है? आखिर कुछ तो कारण है, क्योंकि इन लोगों की इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये लाशों पर राजनीति करना जानते हैं, इनको मोहब्बत और इंसानियत और इंसान से कोई मतलब नहीं है। जिस देश के राम के नाम पर चंदा मांगते हैं भाजपा के लोग, उसी देश के रावण सेना भाजपा के लोग बनाते हैं, जो मधुबनी में पकड़ाया है। वो भी पकड़ाया कब? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के दबाव में जब सड़क पे उतरे, सरकार की चुने हिल गई, तो मजबूरी में पकड़ाया कहां? भाजपा के एक विधायक के गांव में, बचौल ठाकुर, उसके गांव में, उस विधायक के सबसे खास आदमी के घर से, और वो रावण सेना चला रहा था, उसके संरक्षक विनोद नारायण झा और वो बचौल ठाकुर, ये दो MLA मिलकर रावण सेना चला रहे हैं। ये भाजपा के लोग राम के नाम पर, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास कर जाते हैं, अपने इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला किसी का मौत लिंचिंग नहीं कर सकता, किसी की हत्या नहीं कर सकता। पूरी ताकत क्या, जो कोई ताकत नहीं है, भाजपा पैसा, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इसने देश को लूटा और लूट करके सारा कल बल छल, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, लेकिन बंगाल की जनता भी इनको औकात दिखाई नहीं। बहुत जल्द ये हाशिए पे आएंगे, इनको समझ गए, देश की जनता सब समझ गई, भाजपा के सारे पोल पट्टी खुल चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि ये ना राम के हैं, न हिंदुस्तान के हैं, न इंसानियत के हैं, न मोहब्बत और प्यार के हैं। ये किसी का नहीं, ये अपने आप का नहीं, ये किसी का नहीं है।